सुजानपुर युवा कांग्रेस ने अध्यक्ष सचिन ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश में बस किराए में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के विरोध में सुजानपुर एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सुजानपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते जयराम सरकार ने प्रदेश की जनता पर भारी कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में 2 बार किराया बढ़ाया गया है, जो कि एक जन विरोधी फैसला है। इसका अंजाम उन्हें 2022 की विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले, अन्यथा युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरने और मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रियों का घिराव करने से भी पीछे नहीं हटेगी। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश सरकार द्वारा किराए में 25% बढ़ोतरी किए जाने पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान जयराम सरकार को इस निर्णय को वापस लेने को कहा, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन का प्रदेश स्तर पर तेज किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किराए में 25% बढ़ोतरी की गई है, जिससे गरीब वर्ग काफी आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा जन विरोधी फैसला लिया गया है, जिससे लोगों पर पहले से ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार एक बार फिर से जन विरोधी फैसला लेकर आई है। अनिल मनकोटिया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश स्तर पर आंदोलन को तेज करेगी। जोगिंदर ने कहा कि ऐसे दौर में जब पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरी मानवता कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लोगों का रोजगार छिन रहा है, लोगों के जीवन पर संकट छा गया है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे उनकी मदद करे। इसके बजाय सरकार 25% किराया बढ़ाकर लोगों को लूटने का काम कर रही है। जोगिंदर ने कहा कि देश के अंदर 20 रुपए से भी कम तेल की प्रोडक्शन कॉस्ट है, जबकि उसे 4 से 5 गुना ज्यादा महंगा करके बेचा जा रहा है, जिससे लगातार महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को लूटने के लिए कई प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार टैक्स को कम कर देती है तो बस ऑपरेटरों को इससे मदद मिलेगी और जनता को भी राहत मिलेगी। जोगिंदर ने कहा कि कोरोना काल की इस घड़ी में सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्णय लेना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा CPM प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार जनता के ऊपर महंगाई का चाबुक चलाकर जनता के लिए चुनी गई सरकार की अवधारणा को तार तार करने में लगी है। बस किराए में 25% वृद्धि के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि सरकार लगातार महंगाई का चाबुक चलाकर जनता के प्रति क्रूरता का परिचय देते हुए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह निर्णय ले रही है, जिसका मकसद मात्र जनता की जेब काटना है। प्रेम कौशल ने कहा कि जनता और कांग्रेस पार्टी सरकार से ये जानना चाहते हैं कि यदि लॉकडाउन के चलते सरकार की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है तो जनता की इस दौरान कौन सी लॉटरी निकली है, जिसके चलते उसके ऊपर भारी भरकम महंगाई का बोझ डाला जा रहा है।